नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महुआ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने वैश्य वर्ग के साथ होने वाले उत्पीड़न की बात भी कही, तो वही वैश्य वर्ग को राजनीतिक भागीदारी मिले ये भी कहा। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष वैश्य एकता परिषद सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता महुआ पहुंचे, यहाँ पेट्रोलियम एसोसिएशन के कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने वैश्य वर्ग को भी राजनीति में भागीदारी मिले और सरकार द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न भी ना हो पर चर्चा की। आगामी निकाय चुनाव में वैश्य वर्ग को मेयर, चेयरमैन, सभासद आदि के लिए पार्टी टिकट दे। कार्यालय में पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के जिला अध्यक्ष कालका प्रसाद गुप्ता और वरिष्ठ समाज सेवी राधेश्याम गुप्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह 11 सितंबर को फतेहपुर में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत सरकार की जो स्थानीय सांसद हैं और वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में रखा गया है। इसके साथ ही माननीय रविंद्र जायसवाल जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पंजीयन स्टाम्प कर मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। इस सम्मेलन का और इस शपथ ग्रहण समारोह का मूल उद्देश्य आने वाले समय में जो निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं उसमें वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी प्रभावी संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि विगत विधानसभा के चुनाव में वैश्य व्यापारी समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। महोबा से रशीद कुरैशी की रिपोर्ट।